लेकिन क्या यहाँ पे थोड़ा सा एसेट डाइवर्सिफिकेशन इस बात को देखते हुए कि सोने और चांदी की चाल बहुत तेज है अभी, क्या स्ट्रेटेजिकली हमें कुछ उनकी तरफ झुकाव बढ़ाना चाहिए? मैं हमेशा इस चीज़ में बिलीव करता हूँ ना जी, कि एक अपना ना वो क्लास 4 का मैथमेटिक्स हमेशा भूलना नहीं चाहिए। देखिए, बात करने को तो हो सकता है कि हम सोना में पार्क कर दें और चांदी में पार्क कर दें, लेकिन अगर ऐसा लगता है कि सोना में हम इसलिए पार्क करेंगे कि हम थोड़े सेफ हो जाएंगे, सबसे सेफ कैश है, क्या खराबी है अगर आपको सोना में रिटर्न चाहिए 7-8-9% का? तो क्या खराबी है बैंक FD 7.5% का रिटर्न, जब मर्जी ले लीजिए, वोलेटिलिटी रिस्क नहीं है आपको। कल को सोना का प्राइस गिर गया तो क्या होगा, FD का प्राइस थोड़ी गिरने वाला है, जो आपने लॉक कर दिया 5 साल का। तो मैं इस मैथ के अगेंस्ट हूँ कि मुझे शेल्टर चाहिए तो मैं वहां चला जाऊँ। हमेशा कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस कीजिए, जहां पे बेनिफिट अगेंस्ट दी कॉस्ट बेटर लगता है वहां चले जाइए। इन दी द डिस्कशन ऑफ डाइवर्सिफिकेशन में गोल्ड, अगर आपका पोर्टफोलियो बड़ा है, 5% गोल्ड को हमेशा हिस्सा बना दीजिए, बिकॉज चल रहा है तो चल रहा है, तो उसमें 5% से आप बना के रख दीजिए। अब गोल्ड में ऐसा थोड़ी है कि गोल्ड 1, गोल्ड 2, गोल्ड 10, इतना सारा गोल्ड है कि मैं डिफाइन करके ऐड करता रहूं कि कौन सा गोल्ड अभी ले, कौन सा चलेगा। गोल्ड मतलब गोल्ड है, चलेगा तो गोल्ड है। तो अगर सिर्फ आप गोल्ड में पैसा डाल देते हैं तो फिर वो आपका कॉन्सेंट्रेशन रिस्क है। डाइवर्सिफिकेशन वाले बेनिफिट के लिए 5% गोल्ड रखिए हमेशा, क्या दिक्कत है? लेकिन उतना पैसा होना चाहिए। मान लीजिए कि मैं बात करता हूँ 1 करोड़ रुपए की, 1 करोड़ रुपए को इतना डाइवर्सिफाई करते चलेंगे, क्या पैसा बनेगा? बड़ा पैसा है 5-10-15 करोड़ का, तो ठीक है, उसमें थोड़ा बहुत गोल्ड डाल के रख दीजिए। आज की तारीख में 1 करोड़ का पोर्टफोलियो कोई बड़ा पोर्टफोलियो नहीं है ना। हम बात कर सकते हैं हम उस चीज की, लेकिन मैं नहीं मानता कि जो अब हमारा इन्फ्लेशन का लेवल है, 1 करोड़ का पोर्टफोलियो को बड़ा पोर्टफोलियो अब नहीं मानना चाहिए। उतने तक में इतना डाइवर्सिफिकेशन भी नहीं करना चाहिए। मैं तो इतना देख रहा हूँ कि लोग 10 लाख के म्यूचुअल फंड में 25 फंड है, भाई ट्रैक कैसे करते हो? तो उतना भी डाइवर्सिफिकेशन नहीं करना चाहिए। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कर लीजिए, उसमें अगर फिट बैठता है तो फिर एक्सपोजर थोड़ा बढ़ा दीजिए। एक्सपोजर तब बढ़ाइए व्हेन यू एक्सपेक्ट मोर रिटर्न फ्रॉम गोल्ड, नॉट दैट यू एक्सपेक्ट सेफ्टी फ्रॉम गोल्ड। अगर आपको सेफ्टी एक्सपेक्ट करना है गोल्ड से एंड देन यू वांट टू गो देयर, बेटर गो फॉर FD। जी, लेकिन फिलहाल अभी इस चार्ट को देख करके अगला पड़ाव क्या लग रहा है? अभी हमारे पास MCX दिख रहा है 78,500 के आसपास का, सुना है जो है MCX में। ओपन रखते हैं राजी, बिकॉज मुझे लगता है कि इंटरनेशनल गोल्ड अपना 3,000 के तरह, जो हम अब ओपन स्काई है ना, क्या व्यू ले वहां पे, बट इन दैट केस 80 के ऊपर थोड़ा टारगेट बनना चाहिए। तो आप यहाँ से समझे कि अगर ये 10% और रफली रख लें गोल्ड में यहाँ जी से, तो फिर हमको हमारे वाले गोल्ड में भी 10% के आसपास का अपसाइड रखना चाहिए। जी तो अगर हम यहाँ मोटा मोटी मान लें तो 85 या उसके कुछ ऊपर इस तरह का एक। एक रफ एस्टिमेट मैंने किया था, इन बिटवीन 82 to 84,000 तक तो पहुंच रहे हैं, लेकिन ब्लू स्काई है, क्या लेवल जी बनेगा वो तो समझ